अब मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं और इधर एक खंडहर नुमा नज़र आ रहा है, वो भी होगा कोई किला, बट अब वो टूट चुका है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे सीढ़ियों से होते हुए। फाइनली मैं पहुंच गया हूं आमेर फोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है और इधर भी पहाड़ी है और इधर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा दीवार है। ये जगह तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखते हैं अंदर टिकट लेके जाएंगे। और यहाँ पर कबूतर, और इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है द ग्रेट वॉल ऑफ। पहले राजे रजवाड़े बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बनाते थे। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। फाइनली आप मेरे को देख सकते हैं, मैं अभी आमेर फोर्ट के पास हूँ और ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग पक्षियों को दाना भी देते हुए आपको दिख सकते हैं। और इधर कबूतर है, बहुत अच्छा लगता है जब फोर्ट के आजू बाजू कबूतर हो तो पूरा पुराना वाला भी नज़र आता है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना जैसी दीवारें। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए है, पुरानी कपड़ों का कोई मार्केट सा नज़र आ रहा है, नहीं हैंडीक्राफ्ट मार्केट है ये। अब मैं आमेर फोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ, मैं काफी थकूंगा मुझे पता है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन घूमने आया हूँ तो घूम के ही जाऊँगा। काफ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ी है। मैं अपोजिट साइड चढ़ गया था सीढ़ियों पर, अब फिर मेरे को उतरना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग इधर से आप पीछे देख सकते हैं, एक और गेट है वहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं और मैं इधर ऑपोजिट साइड जा रहा था, वहाँ का दरवाज़ा बंद है और आप इधर देख सकते हैं पूरा किला ही किला नज़र आ रहा है। ये अवैध किला नज़र आ रहा है, राजा रानी लोग यहाँ पर पहले रहते थे। और ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप से है इस पहाड़ी में। और अब मैं जाऊँगा फिर से उस गेट पर एंट्री करूँगा। भी थक चुका था तो मैंने अभी चने लेने का फैसला किया है और मैं वो बहन जी से चने लूँगा और खाऊँगा। अभी मैं बैठकर चना खाऊँगा सबसे पहले। फाइनली मैं आमेर गढ़ किला के अंदर, जिसको अंबर फोर्ट
फोर्ट भी बोलते हैं उसमें एंटर कर गया हूँ और मुझे वहाँ पर जाना है। वो ऊपर से बहुत ही अच्छा शानदार व्यू आ रहा होगा। और ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर ऊपर में SBI का भी बैंक है और कुछ शॉप्स भी नज़र आ रहा है, कुछ दुकानें। बहुत गर्मी लग रही है। फाइनली मैं अंबर फोर्ट, आमेर फोर्ट का किला पहुंच गया हूं। 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गया। बीच में मैंने चने भी खाए, यानी कि मैंने चने चबाए और छाछ भी पी लिया। उसके बाद फाइनली मैं आ गया ऊपर और वहाँ पे देख सकते हो ऊपर में बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। ऊपर में वहाँ से व्यू शानदार आएगा, अभी ऊपर भी जाएंगे उधर। और ये सामने जो देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है अंबर फोर्ट का। अब मैं फिर से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रहा हूँ। किला बना ही सीढ़ियों से चढ़ने के लिए, एक्सरसाइज हो जाता होगा राजा रजवाड़ों का। अब पीछे देख सकते हैं हमारे पीछे ये फोर्ट कितना बड़ा है। बहुत ही ऊंचाई पर है ये फोर्ट और मैं अभी इधर हूँ। और इधर नीचे से रोड बना हुआ है बाई बाइक और ट्रक से आने वालों के लिए, आप देख सकते हैं। और नीचे गांव जैसा है। टैक्सी है जो कि 400-500 रुपये के लाने ले जाने का काम करती है। मैं ऊपर जाने का चाह रहा था, ऊपर जाना, बट ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इसका कारण है कि 102 रुपये का टिकट है और ऊपर कुछ है नहीं, बस वहाँ पे ऊपर जाके खड़े होना है और उसके लिए 102 रुपया पे करूँ, ये उचित मुझे नहीं लग रहा है। बस वहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लड़के लड़कियाँ कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ पर जाने का 112 रुपया है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं है और काफ़ी थक चुका हूं मैं। आप देख सकते हैं इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाई है। हिस्टोरिकल प्लेस में सिर्फ आने से मतलब नहीं होना चाहिए, यहां पर घूमना भी पड़ता है। और इतनी ऊंचाई चढ़ाई में ज़्यादातर किला और फोर्ट बना हुआ है कि बड़ा मुश्किल है चढ़ना उतरना, और ख़ास करके जून की चिलचिलाती धूप में। अब देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं और ये सारी सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी है कि मत पूछो।